सुप्रभात यार, आप बात करते हैं यूपीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में। जी हाँ, 25 कुछ नए बदलाव हुए हैं और एक वर्षीय बीएड में जो बात है उसे आप किसे साझा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ठीक है, वीडियो को लास्ट देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा जो है 6 जुलाई को है। देखिए यहाँ बात कर लेते हैं कि दो पालियों में 100-100 अंक के होंगे 4 प्रश्न पत्र, जो कि हर बार होता है कि एक हिंदी या इंग्लिश का होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, रीजनिंग का होता है, ठीक है, और आपका जीके जीएस का होता है और आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो ये अलग हर साल होता है और यहाँ पे देखिए हिंदी या इंग्लिश आपको चूज करना होगा। आप हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, आप उसे जाके एग्जाम जब आपका हो रहा होगा तभी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कि न्यूज बरेली से निकल के आ रही है कि कुलपति प्रोफेसर के पी सिंह ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो पालियों में होगी। देखिए हर साल ये रूल होता है तो ये कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पहली पाली का समय है सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगा और जिसमें जो है आपको जीके जीएस सामान्य अभिरुचि परीक्षण रहेगा 100 नंबर का, और आपका सब्जेक्ट मतलब कि मॉर्निंग में आपको जो है रीजनिंग रहेगा और आपका जो है सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और जो सेकंड पाली होगा उसमें तो आपको जो बच गया वो तो रहेगा ही। इस बार कुछ देखिए, आवेदन शुल्क में अंतर आया है। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 1000 रुपये और विलंब शुल्क जो है 1600 रुपये रहेगा, और जो एससी एसटी हमारे दोस्त हैं उनका शुल्क 500 है बट विलंब शुल्क का 800 हो जाएगा। और जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको जो है उनको भी सामान्य वर्ग के तौर पर देखा जाएगा, 1000 रुपये और विलंब शुल्क 1600 के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपका पैसा फंस जाता है बीएड में या फिर आपका ऐसा पेमेंट हो जाता है बट आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता, तो आप हेल्पलाइन नंबर, राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे दिया गया, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी बात करेंगे आपसे एक वर्षीय बीएड के बारे में। यहाँ पर देखिए, आवेदन में 25 बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी। विद्यार्थियों को आवेदन में 25 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। इसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता, प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी, दिव्यांग अगर आप हैं या फिर नहीं हैं, वैवाहिक स्थिति, पत्र व्यवहार का पता, फोटो, हस्ताक्षर, 10वीं और 12वीं परीक्षा का विवरण, स्नातक और परास्नातक परीक्षा का विवरण, भारांक के लिए मांग या दावा, प्रवेश परीक्षा के लिए शहर का विकल्प और घोषणा इत्यादि शामिल है। तो आपको सब कुछ ये सब चीज लेके बैठना होगा ऑनलाइन करते टाइम, ठीक है। इस बार जब कल फॉर्म ऑनलाइन कल से शुरू हुआ है, कल मॉर्निंग से, और उसमें से कई छात्रों का जो है फॉर्म खुलने में देरी हुआ है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग था तो थोड़ी दिक्कत हुई बट अब जो है दिक्कत उसके लिए खत्म कर दी गई। यहाँ पे देखिए, छात्र को बार बार नहीं देना होगा शुल्क। एक बड़ी न्यूज ये भी है, पहले क्या था कि एक बार भैया आप 48,000 दीजिए, फिर 5,000 दीजिए, तामझाम होता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर सेंटर से आवेदन करते समय विद्यार्थियों को कई बार 2 दफा शुल्क देना पड़ता है। इसके बाद विद्यार्थियों को एक बार जमा किए गए अतिरिक्त शुल्क को लेने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने गेटवे बनाया है। आवेदन का शुल्क यदि 2 बार कट गया है तो दूसरी बार जमा हुआ शुल्क तुरंत संबंधित खाते में आ जाएगा। यह शुल्क उसी खाते में आएगा जिससे जमा किया गया है, साथ ही विद्यार्थी के मोबाइल पर इसका संदेश भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो बीएड के लिए न्यूनतम योग्यता यहाँ पर देख लीजिए आप फटाक से कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो अगर आप अपीयरिंग में भी फिर भर सकते हैं, ठीक। इस बार ये रूल है कि आप भर सकते हैं, पिछले 2-3 साल से ये रूल आ चुका है, आप भर सकते हैं, ठीक है। आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए आपके जो बीए बीएससी आपका ग्रेजुएशन रहेगा। बट अगर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीई बीटेक अभियांत्रिकी में गणित विज्ञान, और हालांकि इसके लिए आपको 55% चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए केवल स्नातक की डिग्री रहनी चाहिए। जो हमारे एसटी दोस्त हैं, एससी एसटी दोस्त हैं, उनको केवल स्नातक की डिग्री चाहिए और उन्हें किसी परसेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आप देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा जो 6 जुलाई को होने वाली है और इस बार जो है 33% जो है उनके फीस में कटौती की गई है। जिनका 1500 था उनका 1000 रुपए और जिनका लगभग 1000 था उनका 600 रुपए कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और आपको प्रवेश पत्र की डेट है यहाँ पे दी गई कि प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है 25 जून से आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। आपके प्रवेश परीक्षा की तिथि आपका 6 जुलाई बताया गया है और जो प्रवेश परीक्षा का परिणाम है वो 5 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। और जो विलंब शुल्क के साथ जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 16 से 20 मई तय की गई है। बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके एक और, हाँ, अगर कोई भी समस्या होती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर इस पे कॉल कर लेना होगा। कुछ पेमेंट के वाले में कोई दिक्कत है, ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एक वर्षीय बीएड या फिर द्विवर्षीय बीएड या चार वर्षीय बीएड की। तो आपको बता दें कि एक जो फॉर्म अभी आया है ये केवल दो वर्षीय बीएड के लिए है। आप चाहे यूजी हैं या पीजी हैं, आप कुछ भी हो, आप इसमें दो वर्ष बीएड का ये फॉर्म है, ठीक है। आपको बता दें कि इस बार जो बीएड की जिम्मेदारी दी गई एंट्रेंस एग्जाम की वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय के दी गई है। बट ये अनाउंस जो किया गया था कि एक वर्ष बीएड या चार वर्ष बीएड, ये केवल लखनऊ विश्वविद्यालय ने अनाउंस किया था, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कहा था कि वो जो है इस बार केवल जो 12 पास आउट हैं वो बीएड करना चाहते हैं। तो 12 पास आउट के लिए चार वर्षीय बीएड, यूजी के लिए दो वर्षीय बीएड और पीजी के लिए एक वर्षीय बीएड लाने की संभावना थी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। बट अभी तक जो है जो दिया गया बीएड का वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय को इसकी वो दी गई है, ठीक है। बट अब हो सकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय खुद के लिए एक वर्षीय बीएड की निकालने की संभावना है। बट जो भी फॉर्म आया है केवल दो वर्षीय बीएड के लिए है। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म निकलता है तो हो सकता है केवल कैंपस के निकाले जो कि केवल की एक वर्ष बीएड का होगा, ठीक है। जो केवल 200 से 300 सीट बस हाईएस्ट मैं कह रहा हूं यार 150 से 200 सीट ही कैंपस में होती हैं। बट हो सकता है कि वो कैंपस के अलावा उसके जो संबद्ध कॉलेज हैं उसमें भी एक वर्ष बीएड ला सकता है, ये उसके ऊपर है। बट मैं दोस्तों से कहूंगा कि आप उसके चक्कर में ना पड़िए, आप पहले उस एक वर्ष के चक्कर में एक वर्ष आपका और ना खराब हो जाए। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप इस दो वर्ष से बीएड को भर दीजिए। और हाँ, अगर कोई समस्या होती है फिर से वो फॉर्म आता है एक वर्ष से बीएड का जो कि आपका लखनऊ विश्वविद्यालय निकालेगा तो आप उसको भी भर दीजिएगा, क्योंकि ये संभावना है कि यार 200 सीट रहेगी, 150-200 सीट रहेगी तो उसमें 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें पाना लगभग असंभव सा दिखता है। असंभव तो नहीं है बट बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं इतना कहूंगा आप सभी से दोस्त कि आप इस फॉर्म को भी फिलअप कर दीजिए। और अगर वो फॉर्म बाद में आए जो कि आप अगर पीजी हैं तो अगर एक वर्षीय बीएड का फॉर्म आता है हो सकता है कि आपका ज्यादा निकाले कम निकाले तो बाद की बात है, हम आपको यहाँ पे पल पल की अपडेट देते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। बट आप इसको भर दीजिए दो वर्षीय बीएड को। अगर एक वर्षीय बीएड आता है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का तो आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी, ठीक है। ये कुछ आपके लिए अपडेट थी। तो आप ये कह लीजिए भी, अगर आप पीजी में, हमारे कई मित्र पर्सन पूछ चुके हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप दो वर्ष से बीएड फॉर्म भर देंगे, क्योंकि आप यार उस एक वर्ष के चक्कर में आप इस वर्ष को ना खराब करें, ये मैं चाहूंगा आप लोगों से। अब बात करते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम क्रैक कैसे करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। बट याद रखना, जितने भी मित्र हमारे YouTube के सहारे एंट्रेंस एग्जाम निकालने की सोच रहे हैं वो जिंदगी में, कह रहा हूं भैया 99% लोग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ और मैं आपके लिए लगभग आज शाम तक ऐसी रणनीति लेके आऊंगा, पढ़ाने वाले नहीं केवल आपके नॉलेज लेके आऊंगा, केवल 5 मिनट की वीडियो में आप भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।